किया गया है पाठ्यक्रम, उनमें से जो पाठ्यक्रम के आधार पर पहला पाठ है सुजान भगत और दूसरा पाठ है कर्तव्य और सत्यता। डॉक्टर श्याम सुंदर दास से लिखित कर्तव्य और सत्यता पाठ को ऑनलाइन क्लास में भी देख चुके हैं हमने। उसके छोटा सा रूप को देखते हुए प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करते हुए इसको पूरा करेंगे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कर्तव्य और सत्यता के आधार पर इस निबंध में नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से इसको लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। वे सत्यता को खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके विचार अत्यंत प्रेरणादायक है। कर्तव्य और सत्यता के आधार पर लेखक ने हमें ऐसे कुछ संदेश देते हैं कि वो बताना चाहते हैं कि जो हमें कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहना है, जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को धर्म के धरातल पर हमें उसको पूरा करना है, कभी हिचकिचाना नहीं है। कर्तव्य पहले घर से ही आरंभ होता है। जो समाज में रहने वाले हर एक इंसान के अपना अपना एक कर्तव्य होता है, उसको हमें न्यायपूर्वक निभाना है। और आगे बताना चाहते हैं कि सत्यता को खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं। सत्यता को खुले रूप में अपनाना है, सत्यता को जो पालन करते हुए, सत्यता को पालन करते वक्त हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। और बताना चाहते हैं कि झूठ बोलना महापाप है, झूठ नहीं बोलना है। और पाप कार्य करना अत्यंत क्रूरता है, और साथ साथ कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़ देना चाहिए। जैसे आगे ही बढ़ते जाना चाहिए, पीछे कदम रखते हैं तो वो कायरता हो जाता है। ऐसे दुर्गुणों को छोड़कर हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए वो बताते हैं। तो हमें आग्रह करते हैं कि जो आपके विचार अत्यंत प्रेरणादायक है, इनके विचार देखते हुए ऐसा लगता है कि जो इनके बाद में सत्यता है, और इस कर्तव्य को सत्यता के धरातल पर हमें निभाना अत्यावश्यक है। ऐसे ऑनलाइन क्लास में अभी इसका सार देख चुके हैं। इस पाठ के आधार पर हमें निर्धारित किया गया है एक अंक के लिए जो कुछ प्रश्न है, हम देखेंगे। एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखने के लिए पूछे जाते हैं। ऐसा पहला एक प्रश्न है, हम लोगों का परम धर्म क्या है? हम लोगों का परम धर्म है कर्तव्य करना। और दूसरा प्रश्न है, कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहां से शुरू होता है? घर से शुरू होता है। तो कर्तव्य किस पर निर्भर है? न्याय पर निर्भर है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। और कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? कर्तव्य करने से संतोष और आनंद बढ़ता है। पांचवा प्रश्न है, धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है? धर्म पालन करने में अधिक सबसे बाधा है कि चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, मन की निर्भरता। मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो क्या घेरेगी? तो स्वार्थपरता घेरेगी। झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है? झूठ बोलने का परिणाम क्या होगा? वो धर्म विरुद्ध होगा। झूठ बोलना धर्म विरुद्ध होगा। किसे सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है? सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य सत्य बोलता है वह किससे दूर भागता है? जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबर से दूर भागता है। तो दसवां प्रश्न है कि किनसे सभी घृणा करते हैं? झूठे से सभी घृणा करते हैं, झूठ बोलने वाले से सभी घृणा करते हैं। इस तरह
जब एक अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए एक शब्द वाक्यांश या वाक्य में उत्तर देना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद जो तीन अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, तीन अंक के प्रश्नों के बारे में जो ऑनलाइन क्लास में चर्चा कर चुके हैं, अब इसके बाद है संदर्भ स्पष्टीकरण। संदर्भ स्पष्टीकरण करते वक्त जो पहले पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है, इसके बाद जो संदर्भ को स्पष्टीकरण करना है किसने किसे कहा है, और तीसरे चरण में तीसरे भाग में हमें उस संदर्भ का व्याख्या देना है, विवरण देना है, अंत में जो विशेषता देना है। तो संदर्भ को लिखना तीन अंक के लिए आवश्यक होता है। जो इसके बाद है जो बात है कि वाक्य शुद्ध कीजिए। वाक्य शुद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनमें से जो वाक्य शुद्ध करके ही यहाँ पर लिखा गया है। पहला है मन में ऐसी शक्ति है, मन में ऐसी शक्ति है। दूसरा है तुम अपने धर्म का पालन करो। तीसरा है उसे दिखावा नहीं रुचता है। और चौथा है लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली। और पांचवा है मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। ये पांच वाक्यों को वाक्य शुद्ध करके लिखा गया है। जो वाक्य को शुद्ध किया गया है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए पूछा गया था। वैसे जो पहला प्रश्न है कि मन में ऐसी शक्ति है, दूसरा तुम अपने धर्म का पालन करो, उससे दिखावा नहीं दिखता है, लोगों ने बड़ी चाटुकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली, और पांचवा मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। वैसे वाक्य शुद्ध करना है। वाक्य शुद्धि के बाद जो कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरने के लिए पूछा गया था, हमें पांच शब्द दिए थे और पांच शब्दों को चुनकर जो रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए पूछा गया था, जो यहाँ पर पहला प्रश्न है और पूछा जाता है कि सच्चाई की ओर हमारी प्रवृत्ति जो झुकती है, सच्चाई की ओर हमारी प्रवृत्ति झुकती है। अब दूसरा है मनुष्य का परम धर्म है सत्य बोलना है, मनुष्य का परम धर्म सत्य बोलना है। और तीसरा है स्वार्थी लोग अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते, स्वार्थी लोग अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते। और चौथा है कुत्सित लोगों से सभी घृणा करते हैं, कुत्सित लोगों से सभी घृणा करते हैं। और पांचवा है सत्य बोलने से हमारा सम्मान होगा, सत्य बोलने से हमारा सम्मान होगा। ऐसे जो पांच शब्द देते हैं सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने के लिए हमें सूचना दिया जाता है। वैसे हमें जो सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति किया गया है। और उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्य को सूचना अनुसार बदलिए। एक यहाँ पर तीन वाक्य दिए गए हैं, एक एक वाक्य को एक एक काल में बदलने के लिए पूछा गया था। वैसे हमने काल बदल कर सूचना अनुसार बदल कर लिखे हैं, यहाँ पर सूचना अनुसार बदल कर लिखा गया है। जो पहला प्रश्न है झूठे से सभी घृणा करेंगे, ये भविष्य काल में बदला गया है, झूठे से सभी घृणा करेंगे। हम जो इस तीनों वाक्यों को जो काल परिवर्तन करके ही लिखा है, लिख चुका हूं पहले। और दूसरा है उसने मेरी किताब चोरी की है, इसको भूतकाल में लिखना था, लिखा है जो उसने मेरी किताब चोरी की है। और तीसरा हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है, तो पूछा गया था वर्तमान काल में लिखने के लिए, लिखा गया है कि जो हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता। ऐसे जो काल परिवर्तन करने के लिए सूचना दिया गया था उस सूचना के आधार पर पहला प्रश्न भविष्य काल में बदला है, और दूसरा जो भूतकाल में लिखा है, और तीसरा जो वर्तमान काल में बदल गया है। और इसके बाद है लिंग पहचानने के लिए बताते हैं, लिंग पहचानने के लिए बताते हैं, लिंग कौन सा है ये नहीं, लिंग पहचानने के लिए बताता है कि वैसे स्त्रीलिंग में यहाँ पर कुछ शब्द है और पुल्लिंग में कुछ शब्द है। स्त्रीलिंग में आने वाले शब्द है दृष्टि, बात, नौकरी, मिठाई।
यहाँ पर त्रिलिंग में आने वाले ज्यादातर शब्दों का अंत्याक्षर इकार में होता है, ई अथवा ई, ह्रस्व और दीर्घ ई और इकार में होता है ज्यादातर शब्द। और पुल्लिंग के आधार पर हम देखते हैं शक्ति, काम, धर्म, मार्ग। जो यहाँ पर इकार होते अंत्याक्षर इकार होते हुए भी ये पुल्लिंग है, क्योंकि जो संस्कृत से सीधा हिंदी में आते हैं ना कुछ शब्द, वैसे शब्द जो अंत्यक्षर इकार होते हुए भी वो पुल्लिंग में माना जाता है। और पुल्लिंग में जानने के लिए अ और आ से अंत्य होने वाले ज्यादातर शब्द पुल्लिंग के होते हैं। वैसे जो पुल्लिंग रूप है शक्ति, काम, धर्म और मार्ग, इस तरह जो सूचना अनुसार इन्हें लिंग बदलने के लिए पहचानने के लिए पूछा गया था, वैसे हमने इसको बदल गया है।